सब्सक्राइब करें हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे नया अपडेट पाने के लिए। मुंह से दुर्गंध आने की समस्या अक्सर लोगों में दिख जाता है, जिसके कारण हमें किसी से बात करते समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमसे सामने आकर कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है और मुंह की दुर्गंध आने के कारण हमारे अपने परिवार के सदस्य भी बात करते समय मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ घरेलू उपाय जिसे करके हम अपने मुंह के दुर्गंध आने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कुछ उपाय। एक लौंग मुंह में रखकर रोज भोजन के बाद चूसने से मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है व दुर्गंधमय सांस दूर होती है। शरीर की दुर्गंध, कफ, लार और मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका उपयोग गुणकारी है। इसके अतिरिक्त श्वास काश में लौंग मुंह में रखने से कफ आराम से निकलता है तथा कफ की दुर्गंध भी दूर होती है, दांत की पीड़ा भी दूर होती है और दांत मजबूत होते हैं। अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी भी इससे दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, गठिया का दर्द भी दूर होता है तथा मुंह में वात के छाले मिटते हैं। पान में ज्यादा चूना खाने से जीभ फट गई हो तो वह एक लौंग चूसने से ठीक हो जाती है। यदि पाचन विकार के कारण मुख से दुर्गंध आती हो तो भोजन के पश्चात दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से दूर होती है। यह मुख के रोग और सूखी खांसी में लाभदायक है। इससे बैठी हुई आवाज खुल जाती है और गले की खुश्की और आवाज की कर्कशता ठीक होती है। एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिलाकर सुबह कुल्ला करने से भी मुंह की दुर्गंध दूर होती है। ऐसा 2 सप्ताह तक करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।